हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया, देखिए, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और गूगल। भैया TCS गूगल के साथ, गूगल अगर आप देखें हर तरफ गूगल का बोलबाला है। आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हो, उसमें गूगल है। गूगल आपकी एक एक एक्टिविटी ट्रैक करता है और सब चीज़ें स्टोर करता है। फ्री में सर्विसेज देता है, लेकिन आपका सारा डाटा गूगल यूज़ करता है। अब TCS के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है गूगल। गूगल इज़ वन ऑफ द, मैं कहूँगा कि हर इंसान से वाकिफ रखता है गूगल, क्योंकि सर्च इंजन है, हर कोई सर्च करता है, गूगल पे सर्च करता है, अपना ब्राउज़र है, इंटरनेट पे क्या नहीं है गूगल के पास, इवन पेमेंट के लिए सर्विसेज हैं, सारी चीज़ें। तो अब TCS के साथ जो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, अरे वाह, आप तो यही कहोगे गूगल और TCS मिल गए। किस चीज़ में मिले हैं वो देखिए, और साथ में डिविडेंड भी आने वाला है TCS का। अब डिविडेंड देता है या बोनस देता है वो तो देखा जाएगा। और दिन भी आज 10 अप्रैल की है, दो दिन बाद, कल छोड़ के परसों 12 तारीख को सब पता चल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जानते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको TCS और गूगल के बारे में। देखिए बात ऐसी है, TCS और गूगल पार्टनरशिप कर रहे हैं किस चीज़ में, टू बिल्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लाउड सॉल्यूशंस। अब आप कह रहे होंगे क्लाउड, अगर आप IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाकिफ रखते हैं, इसके टेक्नोलॉजी इसके टर्म्स से वाकिफ रखते हैं, तब तो आप समझ में गए होंगे कि क्लाउड का मतलब क्या है। ये देखिए, आज की डेट में जो भी डाटा प्रोवाइड होता है, जो डाटा स्टोर होता है, यूज़र को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होता, क्लाउड पे पड़ा होता है। क्लाउड मतलब बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं, इधर उधर सारा डाटा पड़ा हुआ है, बस आपको एक्सेस करने की ज़रूरत है। अब क्लाउड की दुनिया में दो बड़े नाम हैं, अगर IT में फिर वही कहूँगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो तो जानते होंगे, एक अमेजन AWS, दूसरा गूगल, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP, और तीसरा अमेजन AWS। तो ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं यहाँ पे, लेकिन उनके सॉल्यूशंस, ये डाटा तो पड़ा हुआ है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे यूज करना है। अब बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पे क्लाउड बहुत यूज होता है। मतलब छोटी में भी होता है, पर बड़ी बड़ी में उसका पूरा अपना डाटा है, बाहर किसी क्लाउड का डाटा एक्सेस करना है, उसको स्टोर करना है। तो ये अभी जितने भी सॉल्यूशंस हैं, TCS GCP के साथ मिलके ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, एंटरप्राइजेस टू बिल्ड सिक्योर क्लाउड नेटिव एनालिटिक प्लेटफॉर्म। अब डेटा है, अब आप सोच रहे होंगे एनालिटिक्स, व्हाट इज एनालिटिक्स? डेटा इतना पड़ा है, टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल डेटा, टू एनालाइज व्हाट टारगेट वी वांट टू डू। जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो आपको पता है कि भैया उनका पूरा काम है कि हमको ये स्पेसिफिक पॉपुलेशन टारगेट करनी है। एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्शन से, अब आपने कहा UP में इतनी 20-25 करोड़ की जनता, हमको ये वाला एडवर्टीजमेंट कांग्रेस का, ये वाला BJP का, कौन से यूजर्स को दिखाना है? तो भैया और पूरा टारगेट किया जाता है डाटा को देख के, और उसके बेसिस पे लोकेशन स्पेसिफिक, मेंटालिटी स्पेसिफिक, हर तरीके से उस तरीके से एडवर्टीजमेंट पॉपुलेट किया जाता है, कैंपेन्स उस तरीके से किए जाते हैं। ये सारा एनालिटिक्स का काम है, और एनालिटिक्स से एनालाइज करना है डाटा को, बिल्कुल टारगेट करना है चीज़ों को। तो TCS और गूगल अब ये दोनों मिल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है क्लाउड से रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए। TCS के लिए तो बड़ी बहुत बल्ले बल्ले। TCS वो शेयर है, मैं कहूँगा बेताज बादशाह IT की दुनिया का, 7.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब भी इस शेयर में गिरावट आती है तो आँख बंद करके, मतलब ऐसा होता है कि आँख बंद करके धीरे धीरे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करता रहता है, ऊपर से टाटा का भरोसेमंद शेयर मैं कहूँगा। देखिए 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन्फोसिस है, लेकिन इन्फोसिस इसकी आधी भी नहीं है अभी के डेट में। अब TCS का डिटेल देखिए, 25 के PE पे ट्रेड कर रहा है, 2000 के आसपास का प्राइस है। प्राइस आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी वैल्यूड स्टॉक है। 247 करोड़ का डेट, ना के बराबर डेट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, सेल्स ग्रोथ 9.5% की। ये एक ऐसा शेयर है मैं कहूँगा जिसमें आपने पैसे लगा के छोड़ दिए तो हर साल आपको बढ़िया रिटर्न देगा। बढ़िया मतलब बढ़िया। ये देखिए आप पैटर्न्स देखिए, टेक्निकल लेवल पर कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। अभी भी देखिए यहाँ पे जब ये शेयर 2200-2300 से नीचे गिर के आया तो ये सारे इसके एंट्री के मौके थे, मैं कहूँगा बढ़िया एंट्री के मौके।
इन छोटे छोटे लेवल्स पे, यहाँ पे इन गिरावट में 1800 के लेवल पे, 1900 के लेवल पे, ये सारे एंट्री के मौके थे इसके। अभी भी अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे आता है तो वो फिर से इसमें एंट्री के मौके होंगे, जैसे कि 1950 के लेवल पर। अभी से 100 रुपये नीचे अगर आता है तो फिर एंट्री का मौका इसमें आपको दिख जाएगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बेहतरीन शेयर है TCS, कोई मुकाबला नहीं। अब ये तो आपने देख लिया TCS के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए बेहतरीन, 1300 के आसपास के FII ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 38 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, टाटा सन्स का मेजर शेयर होल्डिंग वो भी 72% का है, LIC का इन्वेस्टमेंट, तो बेहतरीन। अब मैं बात कर रहा था आपको डिविडेंड की। देखिए अप्रैल में भारी भरकम डिविडेंड देता है, पिछले साल तो 29 रुपये डिविडेंड दिया है, इस बार क्योंकि स्टॉक ने बोनस दे दिया, हाफ हो चुका है, तो यह है कि 29 तो नहीं लेकिन 15 से 20 रुपये के बीच में कहीं डिविडेंड आ सकता है इस बीच में, और साल में हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है, ये भी खास बात है। बोनस देखिए, अब तक 3 बार बोनस दिया, 2018 में बोनस दिया, 2009 में, 2006 में, इस बार बोनस का उम्मीद कम है, डिविडेंड का उम्मीद ज़्यादा है, 12 तारीख को रिजल्ट है, बेहतरीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। TCS तो ऐसा शेयर है जेब में भर के रखो, छोड़ दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।